हाय माय यूट्यूब की फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग? और आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मेरे पास एक फ़ोन है ओप्पो का, और इसका हम नेटवर्क बना रहे हैं। और आपने तो मेरे नेटवर्क के वीडियो देखे होंगे कि कितने लेवल तक, डीपली लेवल तक हमने इसको चेक किया हुआ है। तो चलिए, इस ओप्पो में भी हम चेक करेंगे नेटवर्क और देखेंगे कि इसको नेटवर्क बना सकते हैं। हालांकि उस लेवल जितना मैं इस लेवल यहाँ पे वीडियो पे नहीं बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों मैं पहले भी कह रहा हूँ कि YouTube में कंटेंट हमारा कॉपी होता है और बाकी जो छोटे मोटे इंस्टीट्यूट वाले हैं वो उसको अपने इंस्टीट्यूट में अपने कंटेंट में डाल लेते हैं। इसलिए हम जैसा भी है तो इसको हम जितना भी है बाईपास करके बनाएंगे। बट आप देखिए, आपको देखने से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि मैं इसको क्यों बना रहा हूँ। क्योंकि मैं इसको ऐसा नहीं करूँगा सीधे उठाया और जो इसकी एक आईसी उठा के इसको चेंज कर दी। बराबर इसको पहले एक बार टेस्ट करूँगा कि क्या वो वाकई में आईसी चेंज करने लायक है या नहीं है। क्योंकि अगर उस आईसी को प्रॉपर वोल्टेज नहीं मिल रहे हैं तो पहली बात तो वो आईसी चेंज नहीं करना है। तो हमें वोल्टेज का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। दोस्तों, इसमें नॉलेज किस किस का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। नेटवर्क सेक्शन में नॉलेज बहुत सारे, दो PFO लगे हैं, कौन सा 4G है, कौन सा 3G है, ये पता होना जरूरी है। PFO क्या काम करता है, एंटीना कौन, एंटीना किस PFO में पहले जाता है, और हमें पता होना चाहिए कि स्विचिंग कौन सी PFO कर रहा है, 4G कौन सा PFO बना रहा है, अगर इमरजेंसी कॉल पे गया तो क्या फॉल्ट हो सकता है, अगर डाटा नॉट सर्विस, डाटा नॉट रजिस्टर पे गया तो क्या फॉल्ट हो सकता है, नेटवर्क अप डाउन हो रहा है तो क्या फॉल्ट हो सकता है, नेटवर्क कभी पकड़ रहा है कभी नहीं पकड़ रहा है क्या फॉल्ट हो सकता है, नो सर्विस क्या फॉल्ट हो सकता है, इमरजेंसी कॉल क्या फॉल्ट हो सकता है, तो कॉल फेल्ड क्या फॉल्ट हो सकता है। तो बहुत सारे फॉल्ट है। तो सारे फॉल्टों को जानने के लिए ना क्लासेस ज्वाइन करो एशिया टेलीकॉम, आज ही कॉल करो, अपना रजिस्ट्रेशन करो, अपनी बुकिंग करो और क्लास आइए। ये सारे फॉल्ट प्रैक्टिकली आपको क्लास में मिलेंगे और आपने मोबाइल लेकर आओ, जितने भी आपका नेटवर्क के हैं बनाएंगे बैठ के। और इसमें पावर कब बदली जाती है, इसमें CPU कब रिबोल किया जाता है, सारी चीजें आपको बहुत डीपली में हम आप पे बताएंगे। तो चलिए, यहाँ पर हमने अपना मल्टीमीटर आप देख सकते हैं चालू किया है 20 वोल्ट पर। तो अब हम यहाँ पर वोल्टेज चेक करेंगे। तो मैं आपको दिखा दूँ सबसे पहले फोन में, तो देखिए सबसे पहले हम फोन में आपको दिखा देते हैं वोल्टेज चेक करने से पहले कि यहाँ पर फोन में एक्चुअली में आ क्या रहा है। दोस्तों, अगर आपको आईसी निकालना नहीं आता या डर रहे हैं या रिबोलिंग करने में अभी भी डर रहे हैं या किसी इंस्टीट्यूट से सीख कर आ गए अभी भी आप से काम नहीं हो रहा है, तो आप वापस हमें ज्वाइन करो और हमारी क्लासेस ज्वाइन करो और वहाँ पर परफेक्ट, क्योंकि हमारे यहाँ टाइमिंग बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ डेट बहुत ज़्यादा है और हमारा वेल एक्सपीरियंस है और काफ़ी नामी है, ब्रांड है मतलब। और दोस्तों, ब्रांड तभी बनता है जब उसकी वैल्यू हो, नहीं तो हर कोई अब अगर ये कहे कि ये ब्रांड है भाई, ब्रांड पे क्यों और ये हम पर जाओ, तो ये सारी चीज़ें कहना तो गलत है। मैं ये कहता हूँ कि अपने नाम को कोशिश करो कि ब्रांड बनाओ, और वो तभी बनता है। आपने देखा होगा कि हमारे कितने सारे स्टूडेंट पढ़ के गए हैं और वो बहुत सारे लोग बहुत सारा अच्छा काम कर रहे हैं, और जो हमारे बारे में यहाँ वहाँ की बातें करते हैं दोस्तों, वो तो दुनिया में फिर हर एक चीज़ के लिए कोई ना कोई, हर एक आदमी के लिए बात कर रहा, आपके घर में भी आपके लिए कोई ना कोई तीसरा पड़ोसी बात करता होगा। तो इस पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ये दुनिया ब्लैक एंड वाइट होती है, अगर वाइट है तो ब्लैक भी होता है, तो इस पर कोई दिक्कत नहीं है हमको। जिसको भी कोई दिक्कत है होती है वो हमको कॉल करे और हमसे बात करे, और अगर कोई अपना नंबर हाइड करके सारी चीज़ कहेगा तो मतलब समझो वो फेक है भाई, वो बस नीचे गिराना चाहता है और कुछ नहीं है। खैर, ये सारी बातें हमने कहेंगे भाई, हम तो अपना काम कर रहे हैं, हमारे पास स्टूडेंट की कोई कमी नहीं है, हर बैच हमारा फुल है, और हम अभी आपको इस करेंट बैच भी नहीं दे पाएंगे, हमारा अगला बैच ही आपको आना पड़ेगा क्योंकि 28 सितंबर का लगेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी इस टेलीकॉम में। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नेटवर्क मेरे को अभी नहीं आ रहा है, आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर अगर मैं सिम दिखाऊं कि मेरी सिम डिटेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सिम का नंबर है वो डिटेक्ट हो रहा है यहाँ पर, और जो सिम का नंबर है वो डिटेक्ट हो रहा है, आप देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो सिम मेरी डिटेक्ट हो रही है बट नेटवर्क नहीं आ रहा, और तो उसको हम किस तरीके से चेक करेंगे तो ये सारी चीज़ मैं आपको, देखिए यहाँ पर नो सर कैरियर में नो सर्विस आ रहा है, और अगर हम लिस्ट भी चेक करते हैं तो देखते हैं कि हमारे पास लिस्ट आती है कि नहीं।
तो देखिए दोस्तों, ये सर्चिंग करता जा रहा है पर लिस्ट नहीं बन रही है, तो चलिए इसको बनाते हैं। तो दोस्तों, आप एसर डेली को अगर ज्वाइन करते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पर आपको हम बेसिक से एडवांस लेवल पे हम आपको सिखाएंगे, जिसमें हम कॉम्पिटेंट डीपली लेवल पे, कि मैं हमेशा कहता हूँ कि टीचर वो हो जिसको इलेक्ट्रॉनिक्स का नॉलेज अपनी एजुकेशन लेवल पे हो, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी 11 12 करके भी टीचर बन जा रहे हैं। तो इंडिया का अभी टीचिंग का जो स्टेटस है वो बहुत ज़्यादा ही घट चुका है, क्योंकि थोड़ा बहुत भी नॉलेज लेकर लोग टीचर बन जाते हैं, और यही प्रॉब्लम होती है कि स्टूडेंट यहाँ से वहाँ भटकता रहता है। दोस्तों, मैं आज यहाँ पर सिर्फ अपने चैनल की और अपने इंस्टीट्यूट की बात करूँगा। एसर टेलीकॉम में आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी? आपको मैथ्स और हॉस्टल आपको बिल्कुल फ्री है एक महीना, क्योंकि इसके जो चार्जेस हैं वो सब आपके फ़ीस में इंक्लूडेड हैं ऑलरेडी। तो जो फीस है वो ऑटोमेटिकली बहुत ही कम है। जैसे अगर नॉर्मली 500-600 रुपए भी आपका रहना होता है, तो एक महीने के हिसाब से 9-10 हज़ार जो बनते हैं, और यही कुछ आप मान लो तो ये 20 हज़ार, तो आपके 15-20 हज़ार तो लगभग आपके सिर्फ रहने खाने के होते हैं, जो कि हमारी फ़ीस में इंक्लूडेड। तो आप मान के चलो कि हमारी फ़ीस तो 30 हज़ार भाई, उससे भी नीचे की है। तो उसमें भी आपको क्या क्या कंटेंट दे रहे हैं, उसमें आपको हम 4G IC CPU निकालना लगाना, आपको पावर EMMC निकालना लगाना, हर तरह का आपको रिबॉलिंग हम आपको परफेक्ट कर देंगे, डे वन से रिबॉलिंग आपकी चालू कर देंगे, और फिर आपका कॉम्पोनेंट बेसिक चालू हो जाएगा। जो भी आप दिन में आप सीखेंगे नया, और जो भी आप थ्योरी सीखेंगे वो शाम को उसका प्रैक्टिकल होगा, जिसमें आपको खुद 3-4 घंटे मिलेंगे उसमें प्रैक्टिकल करने के लिए, जिसमें हम आपको प्रैक्टिकल के लिए बोर्ड भी आपको खुद से देंगे, और आप चाहें तो अपनी तरफ से भी अपने बोर्ड ला सकते हैं जिस पे भी आपको करना हो। तो यहाँ आपको बोर्ड भी हम आपको देंगे, फिर उसके बाद आपके 4G हैंडसेट से आपसे लाइव IC निकलवाए के आपको लगवाएंगे, उससे ही आपका आउटपुट भी लेंगे, जैसे आप देखते होंगे कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट का हम आउटपुट लेते हैं। और अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे फेसबुक में जाके इसके व्हाट्सएप पे आप चेक कर सकते हैं, फेसबुक में जाके आप लाइव चेक कर सकते हैं, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट के आउटपुट डले रहते हैं, डेली लाइव क्लासेस। दोस्तों, इंडिया में ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से पहला इंस्टीट्यूट है एसर टेलीकॉम जो अभी तक लाइव डालता है, क्योंकि अब तक लाइव डालना क्लास को एक इम्पॉसिबल है इंस्टीट्यूट के लिए, क्योंकि या तो उनको लगता है कंटेंट उनका तो वो डाले कैसे, क्या है उनके कंटेंट क्या है, तो कंटेंट ही नहीं होता तो लाइव क्या डाले, 4 स्टूडेंट दिखाए हैं, जो भी है। पर मुझे ये लगता है कि आपको यहाँ पे एक बेनिफिट मिलता है जो कि लाइव आपको देखने को मिलता है, और उसके अलावा हमारे टीचरों का नॉलेज, यहाँ मैं खुद आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पढ़ाऊँगा, और दोस्तों जितना डीप लेवल पे मैं आपको हार्डवेयर पढ़ाऊँगा उतना तो मुझे लगता नहीं है कि हार्डवेयर आपको कोई दे पाएगा। मैं आपको GR क्या होता है, वोल्टेज चालू मोबाइल में आपको वोल्टेज चेक करवाना, और उसी के बाद उस पर अगर फ्रिक्वेंसी बनती है अगर, तो फ्रिक्वेंसी DSO से कैसे चेक करते हैं, कहाँ कहाँ फ्रिक्वेंसी का यूज़ कर सकते हैं, सारी चीज़ें मैं आपके इन कोर्स में इंक्लूडेड है। आपके डबल डेकर CPU आपसे करवाया जाएगा, क्लीनिंग आपको, NAND प्रोग्रामिंग फ्री में मिल रहा है, तो ये सब फ्री है, ये कोर्स कंटेंट के अलावा है। हर तरह का सेक्शन इसमें हमने ऐड करके रखा हुआ है, ऐसा ये नहीं है कि जल्दबाजी के 10-15 दिन में क्या होता है दोस्तों, या फिर कुछ नॉर्मल टॉपिक में सारे टॉपिकों में क्या होता है सेक्शंस ऐड नहीं हो पाते हैं। तो आपके हर सेक्शन हमने वाईफाई हो गया हमारा सेम SD, हर एक छोटे से छोटा सेक्शन भी हमने इसमें ऐड करके रखा हुआ है। आप जितना अपना फॉल्टी फ़ोन ला सकते हैं उतना आपके लिए बेस्ट होगा। आप अगर ऑडियो के सेक्शन में अपने 4-5 फॉल्टी फ़ोन ले आए तो हमारे लिए और बेस्ट होगा, आपके ही फ़ोन को हम प्रैक्टिकली क्लास में रिपेयर करके बताएंगे कि देखो कैसे इसको रिपेयर किया हमने, और यही आपके लिए केस स्टडी होगी, और इसी से ही आपको सीखने को मिलेगा, और वही कुछ हैंडसेट आप अपने पास भी रखना ताकि आप भी रिपेयर कर सको। तो मिलते हैं दोस्तों क्लास में, थैंक यू वेरी मच। तो देखिए दोस्तों, हमारे को नेटवर्क आ गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं LTE यहाँ पर दिखाई दे रहा है।
और मैं एक कॉलिंग लगा के आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। ठीक है, मैं वो नंबर कॉल लगाता हूँ जिस पे आपको लगा के एडमिशन लेना है। तो ये मैं लगाता हूँ 7000731192। ये हमारे मोहम्मद सर कॉल उठाएंगे। हेलो हेलो सर, कैसे हैं आप? वेरी वेल सर, बताइए। अगर किसी स्टूडेंट को एडमिशन लेना है तो वो आपको कॉल कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। कॉल टाइम का कोई प्रबंध, कोई विलंब नहीं है, कभी भी कर सकता है, कोई बाउंडेशन नहीं है टाइम की, एनी टाइम कर सकता है। अगर कॉल अगर पिकअप नहीं हो तो व्हाट्सएप कर दे, अपना नाम लिख दे, उसके बाद उसको कॉल कर दे। थैंक यू सर। एक बार मेरे साथ बोलो, इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट को, इंडिया का सबसे नंबर वन इंस्टीट्यूट। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।